नहीं है तो फिल्म की फिल्म के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो इन जात के लोगों को बहुत एनहांस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये छक्का है। और ये जो छक्का है ये सारे इस कौम को उस हद तक ले जाता है कि एमएलए बन जाता है, एमएलए बन जाती है, उसके बाद इसको चीफ मिनिस्टर बनना है। और इसकी एक ही इच्छा है कि हर डिपार्टमेंट में इस कौम के लोग भी काम करें हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एक सरकार को इन लोगों के लिए इज्जत एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए, जैसे आप और सब लोग हैं, इन लोगों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए। तो ये कैरेक्टर इसके लिए लड़ता है और लड़के जीत भी जाता है और इलेक्शन भी जीत जाता है, एमएलए भी बन जाता है और चीफ मिनिस्टर की हद तक भी पहुंच जाता है। और कैसे ऐसे कौम को ये आगे बढ़ाता है फिल्म के अंदर। मैंने कहा कि ऐसा किरदार मैंने किया नहीं है, काश ये अच्छी फिल्म बनाए और बड़े तरीके से बनाए तो ये कैरेक्टर यादगार कैरेक्टर बन सकता है, ये मैंने सोच के ये हाँ बोला इस रोल के लिए। लेट्स, और इसका एक ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है कि ये पॉलिटिशियन है और हिंदुस्तान के अंदर ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी जो ये नई सरकार आई है, अगर इसमें इस कौम के लोग भी हों, पढ़े लिखे हों और मेहनत करने वाले हों, तो इनको भी नौकरियों में क्यों नहीं रखा जा सकता, बैंक में क्यों नहीं रखा जा सकता, आर्मी में क्यों नहीं रखा जा सकता, मिलिट्री में क्यों नहीं, नेवी में क्यों नहीं, और सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं रखा जा सकता। तो फर्स्ट टाइम किसी फिल्म में आएगा वो है ये फिल्म। ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि इन लोगों को, हाँ, पर वो कुछ न्यूज़ ठंडी पड़ गई। अगर ये फिल्म अच्छे तरीके से बन गई तो वो न्यूज़ बहुत गर्म हो जाएगी। और इसी करेक्टर की वजह से मेरे हिसाब से अगर ये मेक अ वेरी गुड फिल्म तो इस जात के जितने लोग हैं ये इस फिल्म को हिट करा देंगे, क्योंकि उसको हम एक अलग मकाम पे लेके जा रहे हैं कि एक हम लोग हमेशा उनको एक गलत नज़र से देखते हैं, फिर उसके बाद लोग इनकी भी वैसी इज्जत करेंगे जैसे एक नॉर्मल आदमी की इज्जत होती है, जो बहुत ज़रूरी है। सरदार जी की सेकंड फिल्म हिट हो रही है। हाँ सर, मेरे को पता चला है कि आज जो एडवांस बुकिंग हुई है वो 2014 की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग है। मेरे बालाजी में बात भी हुई थी तो मेरे ख्याल से आज का दिन 100% कलेक्शन है।